सभी को जय श्री काल भैरव। बाबा भैरवनाथ और माता कालका जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सभी स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। अभी आप सभी की तरफ से ज्यादातर मैसेज आए कि पितृपक्ष के बारे में, श्राद्धों के बारे में बताया जाए। तो श्राद्धों के बारे में, जो श्राद्ध है वो 18 सितंबर से प्रातः लगभग 8:03:30 से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 2 अक्टूबर तक, अमावस तक चलेंगे। अमावस का श्राद्ध बड़े बूढ़ों का श्राद्ध होता है ना, भूले बिसरों का श्राद्ध भी कहा जाता है इसको। और जैसे किसी को तिथि नहीं पता है कि किस तिथि पर श्राद्ध करना है, तो वो लोग भी इस दिन करते हैं। अभी आपको ये बताऊं कि जैसे अभी देर सोने के बाद में कुछ समय के लिए सृष्टि का कारोबार जो है वो शंकर जी के हाथ में आ जाता है। शंकर जी के बाद में कृष्ण जी के हाथ में आता है, और कुछ समय के लिए कृष्ण जी के बाद में गणपति जी के हाथ में कारोबार आ जाता है, और गणपति जी के बाद पितरों के लिए, और उसके पश्चात पितरों के पश्चात आता है फिर माता रानी का, है ना। तो जैसे ही पितृपक्ष की अमावस्या होती है और उसके बाद में अगले दिन से नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। 9 दिन माता रानी के होते हैं। अभी जैसे जिस भी पितृ के निमित्त आप श्राद्ध करते हैं, तो उनकी तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति जिस दिन उनका देह अंत हुआ, देहांत हुआ, उस दिन उनका जो है वो श्राद्ध माना जाता है। मतलब उस दिन क्या तिथि थी, जैसे प्रथमा थी, द्वितीया थी, तृतीया थी, चतुर्थी थी, पंचमी थी, षठी थी, तो जो भी श्राद्ध का वो दिन बैठता है उस दिन श्राद्ध किया जाता है। अब कई बार क्या होता है कि आपको इंग्लिश मंथ की भी डेट नहीं पता है किसी भी व्यक्ति के देहांत की, नहीं तो इंग्लिश मंथ से और उस समय से, मतलब मंथ समय डेट और आपका वर्ष के हिसाब से वो पता लग जाता है कि कौन सी तिथि। अगर ऐसा नहीं है, कुछ नहीं पता है, तो फिर भूले बिसरों वाला जो श्राद्ध किया जाता है या बड़ा श्राद्ध जिसे बोलते हैं अमावस्या, उस दिन किया जाएगा। मतलब जो 2 अक्टूबर को अमावस्या होगी, है ना, तो 18 तारीख से पहला श्राद्ध शुरू हो जाएगा। अभी श्राद्ध के लिए क्या किया जाए, है ना, कि ताकि, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर लोगों के लाइफ के अंदर पितृदोष है। मतलब हमारे पास भी जो कुंडली आती है 90% पितृदोष होता है, और वो जो पितृदोष होता है उसके निवारण के लिए बहुत सी विधियों के द्वारा उसका अंत किया जाता है। लेकिन जो शेष श्राद्ध पक्ष आता है, श्राद्ध पक्ष में आप अपने पितरों को जल्द ही खुश कर सकते हैं, मतलब और उनके लिए, उनके निमित्त जो भी करना चाहें आप वो कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें भंडारा करते हैं, है ना, कुछ लोग कन्या भोज करते हैं, कुछ लोग ब्राह्मण भोज करते हैं, और बाकी अपने अपने गुरुओं से जो भी दीक्षा स्वरूप मिला होता है, जैसा भी करने के लिए, तो वो करते हैं। कुछ लोग तर्पण करते हैं। तो इसी तरीके से श्राद्ध पक्ष में ये सब किया जाता है। अभी आप जब ने जैसे पूछा मुझसे कि क्या करना चाहिए, है ना, तो मैं आपको बताता हूं। आप कच्चा दूध ले लीजिए, कच्ची लस्सी जिसे कहते हैं, और अगर आपने कहीं पर देवस्थान बनाया हुआ है, मतलब पितरों को बिठाया हुआ है, पितृस्थान, पितरों को स्थान दिया हुआ है, तो आप वहां पर उस कच्ची लस्सी से, जैसे मतलब कच्चा दूध में पानी मिला करके उससे सफाई करें, शुद्ध करें,
उसके पश्चात एक गिलास कच्चा दूध और मिठाई के 4 पीस, और मिठाई अगर सफेद हो तो बहुत बढ़िया, अन्यथा जिनके भी निमित्त कर रहे हो उनको जो मीठा पसंद हो वो ये दें। अगर आपने स्थान नहीं दिया हुआ है तो वट वृक्ष होता है, बरगद का पेड़, जैसे बड़मावस आती है तो लोग बाग जिनके पत्ते लेकर के कई लोग कई प्रजातियों में हिंदू धर्म में ही वो वट वृक्ष की पूजन करते हैं, है ना। तो उस वट वृक्ष की जड़ में कच्ची लस्सी थोड़ी सी डालें, पितरों को याद करें, और पितरों से मांग अपने लिए ना करके कि मतलब ऐसा ना हो कि आप अपने लिए चाह रहे हैं कुछ, उनके लिए थोड़ा सा कुछ करके इस निमित्त से करें कि आप जो भी मेरे से बन पाया रूखा सूखा आप उसको ग्रहण करें, और जो भी मेरे ऊपर पितृ दोष लग रहा है वो आपके कारण या किसी और भी पितृ के कारण, तो समस्त पितृ आकर के जो भी मुझसे रूखा सूखा बन पाया है उसको ग्रहण करें और आपका मोक्ष का रास्ता आगे खुले। आपकी याचना यही होनी चाहिए कि उनके मोक्ष के रास्ते में कोई भी बंधन आ रहा है, कहीं भी फसाव है, तो वो खुले, क्योंकि पितृ अगर मोक्ष प्राप्त कर लेंगे आपके पितृ, तो कहते हैं कि अगर 7 पीढ़ियों में से कोई एक पितृ भी मोक्ष को प्राप्त कर गया तो वो 7 पीढ़ियां तार देता है, मतलब 7 पीढ़ियां आगे की और 7 पीढ़ियां पीछे की। तो कोशिश करें कि उनके लिए, उनके निमित्त, उनके मोक्ष के रास्ते के निमित्त आप करें, और उनको ये कहें कि आप जिस भी स्थान पे हैं यथास्थान आप इस भोग को ग्रहण करें और अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। हमसे किसी भी तरीके की नाराजगी हो तो हमें क्षमा करें, हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि पितृ भी देवता कहे गए हैं, पितृदेव कहा जाता है ना, और जो भी उनको पसंद हो भोजन वो किसी गरीब को खिलाएं, जैसे किसी को पूड़ी हलवा पसंद होता है, किसी को छोले पसंद है, किसी को चावल पसंद है, जो भी उनको पसंद था वो आप किसी गरीब को उनकी तिथि वाले दिन दें, और अगर आपको तिथि का ज्ञान नहीं है तो आप अमावस वाले दिन करेंगे ये सब, और उसके पश्चात आप तर्पण कीजिए। तर्पण में क्या रहता है कि आप जल लेंगे, उस जल में गंगा जल डालेंगे थोड़ा सा, और थोड़ी सी उसमें हल्दी डालेंगे, काले तिल डालेंगे, जौ डालेंगे, ये सामग्री इकट्ठी हो जाए, उसको एक पात्र में कर लेंगे ये सब एक सामग्री को, और ऐसा पात्र लेंगे कि जिसके अंदर आपके हाथ इजीली चले जाएं, और आप ऐसे हाथ डाल करके ऐसे जल को गिरा दें, इतना पात्र हो और जल की मात्रा भी उस हिसाब से हो कि आप ये क्रिया कर पाए आसानी से। ये आपको कम से कम 108 बार, और नहीं तो आधा घंटा करें कम से कम, और अगर ज्यादा कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। और इसके निमित्त मंत्र बहुत YouTube वगैरह पे आपको चैनल वगैरह पे मिल जाएंगे, तो मंत्र के हिसाब से वो करें, और मंत्र में तर्पण में लास्ट में तर्पयामी लगता है, और कोशिश करें कि अंगुष्ठ मतलब एक अंगूठी बना लें दोनों हाथों में, और वो कुशा की रहती है ना, कुशा की अंगूठी पहन लें। अगर कुशा की नहीं पहन पाते हैं तो चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं, ठीक है। और ये सब आप अगर क्रिया करते हैं तो किसी भी तरीके का पितृ दोष अगर आपको लग रहा है तो उसकी संख्या कम हो जाती है, मतलब अगर आप दिल से हृदय से ये मान करके करते हैं कि आपके पितृ जहां भी हैं जिस स्थान पे भी हैं उनका आगे का मार्ग मार्ग खुल जाए, उनके आगे मोक्ष के रास्ते खुल जाए, अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और पितरों के निमित्त जौ के आटे में काले तिल मिला करके पेड़े बनाए, 8 पेड़े बनाएंगे आप, छोटे हो बड़े हो जैसे भी हो आपकी यथाशक्ति,
जौ का आटा लें और उसमें थोड़े से काले तिल मिलाएं और छोटे छोटे उसके, अगर आप नहीं कर सकते मतलब कम में करना चाहते हैं और नहीं तो ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा, आप 8 वो पेड़े बनाएंगे उसके, और उसमें से आप 8ों पेड़ों को पूज कर उनके निमित्त याद करके उनको और जल का अर्घ देंगे, और उसके पश्चात उसको छत पर या ऐसा किसी स्थान, कोई स्थान हो जहाँ पर कौवे आसानी से खा सकें, तो 4 पेड़े आप वहाँ कौवे के लिए रख देंगे और उसी में से 4 पेड़े उसको पका करके रोटी पकाएंगे उसकी। रोटी मतलब कच्ची पक्की सी हो, ठीक ठाक सी, और फिर वो आप गुड़ के साथ में 4 वो रोटी गाय को देंगे। 4 पेड़े आपने ऐसे ही कौओं को डाल देने हैं और 4 पेड़े गायों को देने हैं, और एक रोटी घी लगा करके वो आप किसी डोगी को देंगे। ये सब कर्म आपको अपने पितरों के निमित्त करने हैं, और ये ही बताना चाहता था मैं, और इसीलिए मैंने वीडियो बनाई। तो कोशिश कीजिए कि पितरों के निमित्त जो भी आपसे बन पाए उसको कीजिए। सभी को जय श्री कृष्ण।